क्या एक्सप्रेशन देते हैं, स्पेशली अभी इसमें अक्षरा सिंह जी के इतने जबरदस्त एक्सप्रेशन थे ना। हेलो गाइस, तो गाइस वी बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं ड्रीम में एंट्री सॉन्ग बाय खेसारी लाल यादव जी विद अक्षरा सिंह। इसका टीजर तो हमने देख ही लिया था और टीजर में कोई भी लाइन नहीं पता लगी थी ना कि गाने की जो टाइटल लाइन है या कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ भी नहीं बोला गया था। तो गाइस फिर पहले सुनते हैं ड्रीम में एंट्री। और तब हमने ये भी बात की थी कि पता नहीं किसकी किसके ड्रीम में एंट्री होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेसारी लाल के ड्रीम में होगी अक्षरा सिंह की एंट्री। ओके, तो ठीक है, सुनते हैं ड्रीम में एंट्री। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। शुरुआती करी प्यार के कहानी, अनलिमिटेड होई आज शैतानी। आजा प्यार की शुरुआत करे है ना। टाइम ना बाटे इंतजार के, क्या टाइम ना बाटे, टाइम ना बाटे इंतजार के, आई पा मौसम बहार के। जज्बात के फायदा उठाई हमरा साथ के, दोनों जाने के बातें मातल जवानी, बात में बितावो ना रात के, बूझे तो बात जज्बात के फायदा उठाई हमरा साथ के, दोनों जाने के बातें मातल जवानी, बात में बितावो ना रात के। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू खाली। जो बेस थी ना गाने की, हमें तो म्यूजिक ही नचा रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ मतलब हम तभी ध्यान से सुन रहे थे ना, रोक रहे थे कि कुछ कुछ भोजपुरी वर्ड्स नहीं समझ आ रहे थे, कुछ कुछ ठीक है।
और पर ऐसा था कि हम उनका समझ रहे थे वो क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। म्यूजिक बहुत ही धांसू था, जैसे कि हर गाने में जबरदस्त होता है, पर इसमें थोड़ी वो जो मेलोडी थी ना, गाने में जो मेलोडी थी वो काफी प्यारी सी थी, ठीक है, जो पियानो बज रहा था साथ में ट्रम्पेट भी बज रहा था, वो मेलोडी बहुत प्यारी थी। और जो धांसू म्यूजिक होता है, जो बेस होती है, वो तो नो डाउट इसमें भी बहुत ज्यादा थी, इसमें बहुत ज्यादा थी। जिस म्यूजिक को पहचाना जाता है ना भोजपुरी के नाम से, वो चीज थी इसमें, जो बेस वाला म्यूजिक होता है ना, मतलब हाई पिच पे जो म्यूजिक होता है, वो म्यूजिक की वजह से हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि लिरिक्स समझने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक था उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और लिरिक्स की तो क्या बात करें, लिरिक्स तो मतलब बहुत ही ज्यादा वैसे रोमांस वाले ही थे, ठीक है, लड़का लड़की का जो भी रोमांस है वो थी, वही चीज थी, उसकी तो अब क्या बात करें, पर ओवरऑल जो गाने की थीम थी वो वैसा ही पार्टी वाला धांसू गाना था ये, ठीक है। और सेट्स हर बार की तरह सेट्स भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि जैसे पहले भी बात की है कि एक फेस्टिवल वाला माहौल होता है इनके गानों का, तो सेट भी वैसा ही बनाया गया था, जो लोकेशंस थी वो भी वैसी बनाई हुई थी, और जो खेसारी लाल यादव और मतलब जो अक्षरा सिंह जी हैं, वाह यार, जब एक मतलब साथ में बोलना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे कॉन्सर्ट देते हैं, वैसा ही हम मतलब डूब जाते हैं इनकी आवाज में, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी को तो हमने भोजपुरी सॉन्ग में 2-3 बार सुन लिया है, अक्षरा सिंह जी को मैंने पहली बार सुना है भोजपुरी में। हाँ, वो हिंदी गाना था एक तरह से, पानी पानी वाला, पर उसमें भी अक्षरा सिंह जी नहीं थे, वो सिंगर नहीं थे, वो एक्टर थे उनको गाते हुए, पर अगर मतलब देखा जाए तो दोनों बहुत ही सही अदाकार हैं, सिंगर तो है ही हैं, ठीक है, अक्षरा सिंह जी तो को तो पहली बार देखा है, पर अगर हम एक्टिंग की बात करें, क्या एक्सप्रेशन देते हैं, स्पेशली अभी इसमें अक्षरा सिंह जी के इतने जबरदस्त एक्सप्रेशन थे ना, वो जैसे गाने की जो भी लाइन थी उस अकॉर्डिंग अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे, स्माइल कर रहे थे, ठीक है, कुछ आंखों के साथ जो भी खेल रहे थे, वो चीज बहुत प्यारी लग रही थी। और खेसारी भैया तो एज ऑलवेज सुपरस्टार हैं ही हैं, और दोनों की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और आप लोगों ने ये भी बताया था कि ये 5-6 साल बाद इकट्ठे आए हैं, पानी पानी में आए थे, उसके बाद अब आए हैं जहाँ पे ये सिंगिंग कर रहे हैं, पर इनकी जोड़ी है कमाल की, इसमें आउटफिट्स बहुत अच्छे थे, उन आउटफिट्स में पहले ही इतने स्मार्ट लग रहे हैं दोनों, और ऊपर से वैसे सही सही एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी आ रही है बहुत ही धांसू पर्सनैलिटी आ रही है। तो ओवरऑल इस गाने में जो हमें एंजॉय करा रहा था वो म्यूजिक ही था, और गाने के जो लिरिक्स थे वो बहुत ज्यादा हाई म्यूजिक होने की वजह से बड़े ध्यान से सुनने पड़ रहे थे, जिसको तो भोजपुरी समझ लगती है वो तो बड़े आसानी से समझ लेगा, पर हमें बड़े ध्यान से समझने पड़ रहे थे, पर ऐसे ही ये गाना बहुत ही धांसू डीजे पे तबाही मचाने वाला गाना था। और अभी देखते हैं अगले गाने खेसारी लाल यादव जी के कैसे आते हैं, क्योंकि उनको ऐसे धमाकेदार फेस्टिवल टाइप के, फेस्टिवल वाइब के गाने तो अब हमने काफी सुन लिए, अब नेक्स्ट गाना थोड़ा अगर कोई हटके आएगा ना, कोई सैड हो गया, या अगर सैड सॉन्ग भोजपुरी में आए ना तो यार मजा आ जाएगा, एक ट्विस्ट मिलेगा ना जो हमको भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी के साथ साथ सैड सॉन्ग, वो ट्विस्ट काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि तेरे मेरे दरमियान में जो इन्होंने सिंगिंग की थी और जो एक्टिंग की थी वो बहुत लाजवाब थी, वैसी चीज हमने भोजपुरी में तो सैड सॉन्ग नहीं सुना इनका, नहीं सुना हुआ। अगर सैड सॉन्ग आएगा, अब आगे देखते हैं कौन सा गाना आता है, क्योंकि लगातार अब फेस्टिवल वाइब वाले गाने, डांस वाइब वाले गाने तो आ ही रहे हैं, अब अगर कुछ नया आएगा तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल, पर इनको जैसे ये 3-3.5 मिनट का गाना था तो मतलब म्यूजिक ने बांध लिया था, है ना, मतलब इस गाने का जो हाईलाइट है वो मैं म्यूजिक ही कहूंगा, म्यूजिक ने बांध लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और इनके एक्सप्रेशंस ने वो तो जबरदस्त थे, बहुत सही एक्सप्रेशन मतलब थे, जो सेट होते हैं इनके वैसा ही लग रहा है ना, हम किसी शादी में आए हैं और कोई परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मेंस चल रही है, बिल्कुल, क्योंकि लग रहा था प्रोफेशनल है यार, इतने सही आर्टिस्ट हैं, तो एक्टिंग तो डेफिनेटली जबरदस्त होगी होगी, एक धाकड़ लड़का और एक धाकड़ लड़की, वाह, क्योंकि कमाल हो गया। सीधी बात करें तो भोजपुरी गानों में म्यूजिक और जो बोलो डांस होता है गाने के अंदर, वीडियो के अंदर डांस होता है या एक्सप्रेशन होते हैं, उसी चीज के अराउंड गाना बहुत ज्यादा रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो अगर वही चीज सही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि वो भोजपुरी सॉन्ग है, तो वही चीजों ने हमें इसमें गाने में बांध के रखा। बिल्कुल, तो ठीक है गाइस, करते हैं वेट, अब नेक्स्ट गाना कब और किस तरीके का लाएंगे खेसारी भैया,
और करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर दो फॉलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।